नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा खेलों में विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा रहा है। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा देश का गौरव हैं। वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश और हरियाणा का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नीरज के चाचा भीम चोपड़ा से फोन पर बात करके उन्हें बधाई भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को खेलों का हब बनाना है। इसके लिए नीरज चोपड़ा जैसे होनहार खिलाड़ी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा जैसे युवाओं के कारण ही हरियाणा खेलों में विश्व स्तर पर अपने परचम लहरा रहा है और खेल की दुनिया में आज हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार की नीतियों और हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। हरियाणा अपने खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक में पदक जीतने पर देश में सबसे ज्यादा पुरस्कार और सुविधाएं देता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा 7 मई 2022 तक 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए प्रति माह किया गया है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को 20,000 रूपए प्रति माह और भीम पुरस्कार विजेताओं को 5,000 रूपए प्रति माह मानदेय देने की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास हेतु हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। परिणाम स्वरूप प्रदेश के बेटे बेटियां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नाम रोशन कर तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अब खेल एवं युवा मामले विभाग ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियां शुरू की हैं। इन अकादमियों के सभी प्रशिक्षकों को प्रति खिलाड़ी 400 रूपए प्रतिदिन की दर से डाइट दी जाएगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में मेडल जीतकर हरियाणा के साथ साथ भारत का भी नाम विश्व मानचित्र पर दर्शाया है। वर्तमान में हरियाणा देश का खेलों का पावर हाउस है। हरियाणा ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीते। देश भर से आए खिलाड़ियों व कोचों ने हरियाणा की खेल संस्कृति को करीब से महसूस किया और जाना कि कैसे हरियाणा की मिट्टी केवल खेतीबाड़ी ही नहीं बल्कि खेलों में भी सोना उगल रही है। खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूं कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहे, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहे। सरकार के मुखिया के नाते मैं तो कहूंगा ही, लेकिन मैं ही नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10वीं कक्षा में 100% अंक लाने वाले महेंद्रगढ़ की छात्रा अंजलि को सौगात देते हुए 2 साल तक 20,000 रूपए महीने की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से छात्रा अंजलि और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अंजलि जहां भी दाखिला लेना चाहेगी उसका वहां दाखिला करवाया जाएगा। बता दें कि छात्रा अंजलि ने सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 100% अंक हासिल किए हैं। छात्रा अंजलि को बधाई देते हुए
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे आगे भी कोई नहीं तोड़ सकता है। उन्होंने अंजलि को भविष्य में आगे बढ़ते हुए देश प्रदेश गांव और माता पिता का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। अंजलि ने जब बड़े होकर डॉक्टर बनने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि देश में जिस भी मेडिकल कॉलेज में वो चाहेंगी वहां उसका दाखिला करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष छात्रा अंजलि और उनकी मां ने परिवार की आर्थिक स्थिति की समस्या रखी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल अंजलि को 20,000 रुपए महीना 2 साल तक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अंजलि की मां को आश्वासन दिया कि अंजलि की पढ़ाई में उनका पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने इच्छा जताई कि अंजलि भविष्य में एम्स में जाकर अच्छी डॉक्टर बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी स्कूलों के 5 लाख छात्रों को टैबलेट बांटे हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा में और अधिक सुधार के लिए प्रयासरत है। इस बजट में शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वर्तमान युग तकनीक का है और हम अपने छात्रों को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिस तरह से कृषि और उद्योग में हरियाणा ने प्रगति की है उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हमारे प्रदेश के युवा दुनिया भर में देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को 2030 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य बनाया है लेकिन हरियाणा ने 2025 तक इसे लागू करने का लक्ष्य लिया है। यूनिवर्सिटीज में KG-2 और PG प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी में ही विद्यार्थियों को शुरुआती शिक्षा दी जाएगी। हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी MDU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यह कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों का करियर बनाने के लिए शिक्षा विभाग का सुपर 100 कार्यक्रम एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत IIT व नीट की फ्री कोचिंग दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास प्रतिभा है तो कोई भी आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता है, फिर चाहे कोई ग्रामीण अंचल से ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि खेलों में ताकत लगती है और पढ़ाई में दिमाग, हरियाणा इन दोनों में तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ रहा है और नित नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। अंजलि बेटे बहुत बहुत बधाई तुम्हें। हाँ नमस्कार नमस्कार। देखिए आपने रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आगे भी पढ़ाई में आप खूब आगे बढ़ो और देश का नाम, प्रदेश का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, सबका नाम आप मशहूर करो, सबके नाम को ऊंचा करो। आप बड़े होके क्या बनोगे? वेरी गुड वेरी गुड। आप देश में जहां चाहेंगे वहां मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। सर हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो मुझे हेल्प की जरूरत है। कोई नहीं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कितना खर्चा है महीने का वहाँ? हैं सर महीने के वहाँ पे 20,000 लग रहे हैं। ठीक है तो 20,000 रूपए महीना तुम्हें अब 2 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, 20,000 रूपए की तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है आज मेरी ओर से चालू हो गई। बाकी हमारे स्टाफ के लोग आपसे संपर्क करके और उस पैसे को कहाँ भेजना, किसके खाते में भेजना, वो बात करके आपको भिजवाना शुरू कर देंगे। तो मम्मी को दो, जरा उनको भी बधाई दे देता हूँ मैं। हाँ नमस्ते बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटी ने जो है नाम कमाया है, 100% इसने नंबर लिए हैं और इसकी आगे की पढ़ाई में हमारा पूरा इसमें योगदान रहेगा, कोई चिंता मत करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का उपहार देते हुए इस वर्ष भी हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि यात्रा की सुविधा 10 अगस्त 2022 की दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी और 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन के दिन मध्यरात्रि 12 बजे तक रहेगी। यह सुविधा साधारण स्टैंडर्ड बसों में दी जाएगी। बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही थी लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई थी और इस समय चूंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है इसलिए सुविधा को जारी रखने का CM मनोहर लाल ने फिर से निर्णय लिया है।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।